Hello friends, welcome to Knowledge Store. Today we are going to discuss about the exceptions of lawful. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक Knowledge Store को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही करें। कुछ चीजें, कुछ वक्त, कुछ हालात, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमारी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। वो कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला चीज़ है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर हमारी टेस्ट या हमारा प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहले प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे उसके प्राइसेस में फ़र्क अगर चेंज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेट्स टेक द एग्जांपल, सपोज मैं अब तक अंकल चिप्स खाया करती थी, मुझे बहुत पसंद था। अब सपोज जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, धीरे धीरे इंसान वही चीज़ कंज्यूम करता रहता है तो उसके उसको ख्वाहिश ख़त्म होने लगती है। तो मेरी टेस्ट चेंज हो गया, नाउ आई हैव स्टार्टेड ईटिंग लेज। अब क्या होता है कि अंकल चिप्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्या मैं अंकल चिप्स ज़्यादा खरीदने लगूंगी? नहीं। क्यों? बिकॉज माई टेस्ट एंड माई प्रेफरेंस इज ऑलरेडी बीन चेंज। अब मैं अंकल चिप्स खाती ही नहीं, अब मैं खाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं रहेगी अंकल चिप्स। अब मेरा टेस्ट ही चेंज हो चुका है, आई हैव स्टार्टेड ईटिंग लेज। अब जब मैं लेज खाने लगी हूँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अंकल चिप्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं या अंकल चिप्स के प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मली आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, या आप लोग कई बार नेट पे देखते हैं कि लो क्वालिटी गुड्स को इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। बट इन रियलिटी देयर इज नो सच गुड दैट कैन बी कॉल्ड एज इन्फीरियर गुड। हम किसी भी गुड को इन्फीरियर गुड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर एक चीज़ मेरे लिए इन्फीरियर है तो किसी के लिए वो सुपीरियर होगी, और कोई चीज़ अगर मेरे लिए सुपीरियर है तो वो किसी के लिए इन्फीरियर होगी। सपोज लेट्स एग्जांपल ऑफ रिस्ट वॉचेस। एक मिडिल क्लास आदमी कौन सी रिस्ट वॉचेस पहनता है नॉर्मली? टाइटन, टाइमेक्स, HMT, फास्ट ट्रैक, नॉर्मली यही सारे ब्रांड्स हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी पहनता है। क्या ये ब्रांड्स जो हमारे घर मेड काम कर रही है क्या वो अफोर्ड कर सकती है ये 2,000, 2,500, 4,000, 5,000 की रिस्ट वॉच खरीदना? नहीं कर पाएगी। उसके लिए यही एक सुपीरियर गुड है। लेकिन अगर हम बात करें रिच क्लास की, इलीट क्लास की, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये भी एक इन्फीरियर गुड है। उनके लिए राडो, रोलेक्स, इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं वो उनके लिए नॉर्मल गुड होते हैं। तो हम कभी भी किसी गुड को ऐसा नहीं कह सकते कि ये गुड इन्फीरियर गुड है या ये बैड क्वालिटी गुड है। कोई भी चीज़ बैड क्वालिटी नहीं होती, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम जो चीज़ नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं उससे कम है या उससे ज़्यादा है? अगर उससे कम है तो हम उसे इन्फीरियर कहते हैं, और हम जो नॉर्मल गुड यूज़ कर रहे हैं अगर उससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसे हम सुपीरियर गुड कहते हैं। अब वापस आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। सपोज मैं आज की डेट में 50 रुपये किलो का चावल खाती हूँ, सपोज मेरी सैलरी बढ़ जाती है, अब क्या होगा? सैलरी बढ़ गई, डाइट तो नहीं बढ़ेगी ना, तो मैं क्या करूँगी? आई विल स्विच ओवर टू अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब मैं सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट पे पहुंच गई, नाउ आई हैव स्टार्टेड ईटिंग 60 kg चावल, मैं 60 kg वाला चावल खाने लगी। अब वो जो पहले 50 kg वाला चावल मिलता था
उसमें ऑफर आता है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, वो 40 रुपीज़ में मिलने लगता है, तो क्या मेरी डिमांड बढ़ेगी? प्राइसेस कम हुए, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइसेस कम होते हैं तो लॉ डिमांड बढ़ती है, तो क्या मेरे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्यों? बिकॉज आई हैव लेफ्ट दैट प्रोडक्ट एंड आई हैव ऑलरेडी स्विच्ड ओवर टू अ हायर प्रोडक्ट या सुपीरियर प्रोडक्ट। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 40 रुपये में बिके या 45 रुपये में बिके, वो चावल मैंने खाना छोड़ दिया। नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्राइस चेंज। फ्यूचर प्राइस चेंज मीन्स अगर हमें ये लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा आज की डेट में परचेज कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट में है पेट्रोल। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले होते हैं तो न्यूज़पेपर में एक दिन पहले आ जाता है कि कल से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो हम सब लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना व्हीकल लेके जाएंगे पेट्रोल पंप पे, और आज ही डेट में जितना ज़्यादा अपनी टंकी फुल करा सकते हैं फुल करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कल से हमें इसके लिए ज़्यादा पे करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड तभी बढ़ती है जब प्राइस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम नहीं हो रहा है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज एमरजेंसीज। एमरजेंसी कंडीशन होती है, सपोज कहीं पर एक कर्फ्यू की सिचुएशन है किसी सिटी में। कर्फ्यू में क्या होता है, बीच में थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू खोला जाता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ताकि लोग जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जाके मार्केट से परचेज कर लें। अब सपोज कर्फ्यू की सिचुएशन है, थोड़ी देर के लिए मार्केट खुला है, मैं मार्केट जाती हूँ वहाँ पर। अब मैं देखती हूँ कि जो रोज़ की डेट में आलू बिका करते थे 20 रुपये किलो, अब आज की डेट में वहाँ 40 रुपये इस वक्त उसका प्राइस है, तो क्या प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी? नहीं कम होगी। मैं क्या करूँगी, और ज़्यादा खरीद लूँगी। नॉर्मली अगर मैं 2 किलो खरीदती थी, तो इस वक्त क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, मुझे नहीं पता कि आज कर्फ्यू खुला है, कल खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो मेरे घर में खाने की कमी ना हो जाए, मैं 2 की जगह और 4 किलो खरीद लूँगी। तो यहाँ पर तो डबल चेंज हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड तब भी बढ़ रही है। जबकि होना क्या चाहिए था, प्राइसेस कम ज़्यादा होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब भी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो ये एक फिर से एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन। फैशन कहाँ से आता है, मीडिया से। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल कि रणबीर कपूर की एक मूवी रिलीज होती है और कुछ शर्ट पहनते हैं रणबीर कपूर उस मूवी में, और सबको बहुत अट्रैक्ट करती है और उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है उस तरीके की शर्ट की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शर्ट पहले से थी मार्केट में उस तरीके की, लेकिन तब लोग नहीं खरीद रहे थे। अब क्या हुआ, शर्ट की एकदम से डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, प्राइसेस की वजह से नहीं बढ़ी, प्राइसेस कम होने की वजह से नहीं बढ़ी। लॉ ऑफ डिमांड कहती है प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइसेस नहीं चेंज हो रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेलिब्रिटी के पहन लेने की वजह से वो शर्ट की डिमांड बढ़ गई एकदम। अब 1, 2, 3 महीने तक उसकी डिमांड बढ़ी रही। 2-3 महीने के बाद क्या होता है, एक दूसरी मूवी रिलीज होती है, सपोज एक सलमान खान की मूवी रिलीज हो जाती है और सलमान खान ने कोई दूसरी शर्ट पहन ली, अब क्या होगा, फैशन फिर चेंज हो गया। नाउ एवरीबडी विल स्टार्ट डिमांडिंग द शर्ट वोर बाय सलमान खान। अब क्या हो रहा है कि जो डिमांड हमारी एकदम से रणबीर कपूर वाली शर्ट की बढ़ी थी, एकदम से खुद ब खुद फिर से कम हो जाती है। फिर से यहाँ पे प्राइसेस का कोई लेन देन नहीं है, फैशन चेंज हो गया, अब लोगों ने वो वाली शर्ट, रणबीर कपूर वाली शर्ट पहनना छोड़ दिया, अब सलमान खान वाली शर्ट पहननी शुरू कर दी। फिर क्या होगा, 2-3 महीने लोग उसे पहनेंगे, फिर कोई और मूवी रिलीज होगी किसी और सेलिब्रिटी की, वो कुछ और पहनेंगे, लोग उसको वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा फैशन चेंज होता रहता है और हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसे हम ओल्ड फैशन समझने लगते हैं और उस चीज़ का कंजम्पशन कम कर देते हैं, प्राइसेस से फ़र्क नहीं पड़ता हमें। फिर ये हमारा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का।
नेक्स्ट आता है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स कहलाते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स, वो गुड्स जिनसे हमारा स्टेटस सिंबल दिखता है। कभी आप देखिए, कभी किसी सेलिब्रिटी का घर अगर आप कभी न्यूज़ में या आपने कभी किसी शो में देखा होगा, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके यहाँ मार्बल इटली से आके रखा हुआ है, सोफ़ा फ्रांस से आया है, बड़ी बड़ी बड़े डिज़ाइनर्स के वो उनके यहाँ कपड़े वो लोग पहनते हैं, उनके यहाँ जो पर्दे पड़े हुए हैं वो सबसे महंगी कंपनी के पर्दे पड़े हुए हैं, या उनके यहाँ जो पेंटिंग्स लगी हैं वो इंटरनेशनल पेंटर्स के नॉन पेंटर्स के पेंटिंग्स उनके घर में लगी हैं। वो क्यों इतनी महंगी चीज़ें क्यों उनके घर में लगी होती हैं? बिकॉज उनकी डिमांड तभी ये लोग करते हैं जब वो चीज़ें महंगी होती हैं। वो महंगी चीज़ें ही डिमांड करते हैं क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल दर्शाते हैं। अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो वो अपने घर में लगाएंगे ही नहीं। सस्ती चीज़ तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, सस्ती चीज़ लगाएंगे तो वो तो हर एक घर में दिख जाएगी, तो उनके घर में यूनिक क्या हुआ? तो वो लोग वही चीज़ खरीदते हैं जो चीज़ होती ही महंगी है। तो यहाँ पे फिर हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? हमारी डिमांड बढ़ती तब है जब हमारे प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं तभी चीज़ की डिमांड की जा रही है। देन नेक्स्ट कम्स बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम आसपास अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में खूब हमें देखने को मिलते हैं। दीज पर्सन आर दोज पर्सन विच कॉपी अदर्स, जो दूसरे को कॉपी करते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि हमारा फिनेंशियल स्टेटस कितना है, हमारे पास कितना पैसा है, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हमें इसलिए ख़रीदना है क्योंकि सामने वाले ने ख़रीदा है। सपोज एक नेबर, दो नेबर्स हैं, सपोज एक ने खरीदी हुंडई की क्रेटा, दूसरे जो उनके नेबर हैं उनका फिनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो एक एसयूवी अफोर्ड कर सकें। वो ख़रीदने तो जा रहे थे और मारुति ऑल्टो, लेकिन क्योंकि उनके नेबर ने हुंडई क्रेटा ख़रीदी है, वो भी क्या करते हैं, बैंक से लोन लेके क्रेटा खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो अपने रेंज के बाहर जा रहे हैं, अपने फिनेंशियल स्टेटस के बाहर जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाली चीज़ की प्राइस कितना है। वो सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं बिकॉज दे हैव टू कॉपी द अदर्स। तो ऐसे पर्सन्स जो होते हैं दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़े या घटे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कोई चीज़ इस वजह से ख़रीदते हैं क्योंकि उन्हें कॉपी करना है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने कजन्स को। तो ये लोग जो होते हैं, ऐसे लोग ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाते हैं। इनका जो मेन मकसद होता है, दे वॉन्ट टू कॉपी। तो ये भी हमारे अगेंस्ट है, इट्स अ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।